नमस्कार, ओके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुमित तिवारी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या की गई है। विकास सिंह ने स्पष्ट शब्दों में इसे एक हत्या का मामला बता दिया है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये और जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने अभी भी उन्हें या उनके परिवार को किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था। उनके मुताबिक अगर पुलिस की तरफ से पहले ही सारी जानकारी दी जाती तो ये केस अलग दिशा में आगे बढ़ता। वही स्टेटमेंट की भाषा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास सिंह ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई है कि मुंबई पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया था वो मराठी भाषा में था। वहीं परिवार को इस भाषा की समझ नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसी स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर में पेश किया। शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए, और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज्ड के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पहल पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में। और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उस पर लिखा है वो गलत है, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए। और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था। दी फैमिली इज डेफिनेटली हैविंग ग्रेव डाउट दैट दिस इज नॉट सुइसाइड एंड दिस इज मर्डर। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो FIR था वो एबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, एबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि और गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओके न्यूज़। धन्यवाद।